जो कुछ भी तुम नीट में करने वाले हो वो एक्चुअली अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। हमारे हाथ में कभी भी हमारी रैंक और मार्क्स नहीं होती, हमारे हाथ में सिर्फ हमारा काम होता है। लास्ट 2 मंथ्स आई नो आपके बोर्ड्स चल रहे हैं, आप फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दे रहे हो, आपको चीज़ों को रिवाइज भी करना है, कुछ वीक टॉपिक्स उनको कंप्लीट भी करना है, सो देयर इज सो मच गोइंग इन योर लाइफ। एंड बिलीव मी गाइस, इस पर्टिकुलर फेज से मैं भी अपने 12th में गुजरा हूँ, एंड इसलिए मुझे पता है कि हम इस टाइम पे चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाता है। दैट इज़ वाई आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिरी के जो 2 महीने हैं विच आर रियली रियली वेरी क्यूरिशियल, उसमें आपका कैसा पर्टिकुलर टाइम टेबल होना चाहिए नीट 2024 को लेकर, बिकॉज आपके पास सिर्फ 2 ही महीने बचे हैं। एंड बिलीव मी गाइस, बस थोड़ा सा ही टाइम और, थोड़ी सी मेहनत और, बस आप यू आर जस्ट वेरी क्लोज टू योर टारगेट। तो बस रुकना नहीं है, हारना नहीं है, इसलिए लेट्स टॉक अबाउट वेरी प्रैक्टिकली इन दिस वीडियो कि आप इतनी सारी चीज़ों को, रिवीजन को, मॉक टेस्ट को, वीक टॉपिक्स को, इन सबको कैसे मैनेज करोगे, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, एवरीथिंग वी आर गोना डिस्कस इन दिस वीडियो। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम दीपक साहू, सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन एम्स न्यू दिल्ली, एंड मेरी ऑल इंडिया रैंक 5 आई थी एंड आई स्कोर सिक्योर्ड 715 आउट ऑफ 720 इन नीट 2021। या सो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले देर आर सर्टेन पॉइंट्स जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सो पॉइंट्स टू रिमेंबर, सबसे पहले टाइम ये है कि पॉइंट ये है कि नो टाइम रेस्ट्रिक्शन। यस, ऐसा नहीं है कि आपको सोचना है कि मैं 5 घंटे बस पढ़ूंगा या 6 घंटे की सेल्फ स्टडी सफिशिएंट। नहीं, आपको जितना टाइम मिल जाए दिन में आप उतना ही यूटिलाइज कर लो, तो ऐसे कोई बाउंडेशन नहीं है, जितना टाइम पढ़ सकते हो पढ़ो। कमिंग टू द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज मिनिमम 2 मॉक टेस्ट पर वीक। यस, कुछ लोग बोलेंगे कि हर दिन एक लगाओ, लेकिन वो नहीं, वो टॉपर्स के लिए, जिसका सिलेबस उसको रिवाइज भी अच्छे से करना है, जिसका थोड़ा सा कुछ कुछ वीक टॉपिक्स भी हैं, जिनके मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपको हर दिन मॉक टेस्ट लगाना है, नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी। मिनिमम 2 लगाओगे, 3 कर लोगे तो वेरी आइडियल, और 4 से 5 भी लगा सकते हो एक हफ्ते में, डिपेंडिंग ऑन योर कंडीशन। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज बोर्ड एग्जाम्स। आई नो अभी आपके बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं, तो डरने की बात नहीं है, बोर्ड एग्जाम से फोकस करो क्योंकि डेफिनेटली वो मैटर करते हैं थोड़े से। बट द थिंग इज दैट जब जिस चीज़ का पेपर हो उस चीज़ को अच्छे से पढ़ो। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपका फिजिक्स का पेपर है, तो फिजिक्स के लिए भी अच्छे से कोशिश करो, बिकॉज कहीं ना कहीं वो भी काम आएगा आपकी नीट में, है ना। और बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं, जैसे बोर्ड एग्जाम खत्म हो जस्ट कीप बैक ऑन द ट्रैक, एंड जो ड्रॉपर्स हैं वो अभी से शेड्यूल को फॉलो कर सकते हैं, बोर्ड एग्जाम वाले अपने बोर्ड्स के बाद से कर लेना। नाउ कमिंग टू द 24 आवर टाइम टेबल, हम पूरे 24 आवर्स को एक दिन को 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट फेज। नाउ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, कमिंग टू द मॉर्निंग फेज, आपको क्या करना है। सबसे पहले तो मॉर्निंग फेज में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट स्लीप के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी है। बहुत से लोगों को लगेगा कि मैं कम सो लेता हूँ थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, बट बिलीव मी गाइस, लास्ट के 2 महीने ऐसा नहीं है कि आप कम सोगे तो आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा। नहीं, लास्ट के 2 महीने में थोड़ा सा एंग्जाइटी बढ़ती रहती है, और आप कम सोगे ना, कम सोना और एंग्जाइटी भी बढ़ती जा रही है, दोनों कंबाइन करके आपके लिए बहुत बड़ा डिजास्टर क्रिएट कर सकते हैं। आप चीज़ें भूलने लगोगे, आप और ज़्यादा परेशान हो जाओगे, इसलिए भले 1 घंटा ज़्यादा सो लो लेकिन कम मत सो। दैट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू। दैट ठीक है, रात को स्टडी नहीं करनी है। इसका सिंपल लॉजिक ये है कि रात को स्टडी करोगे दिन में आप बहुत इनएक्टिव फील करोगे, आपको लगेगा दिन बहुत छोटा सा हो जाएगा, तो आपको टाइम मैनेजमेंट ही नहीं हो पाएगा बेसिकली। एंड वन मोर थिंग इज दैट नीट का पेपर दिन में होता है, आफ्टरनून में होता है, तो आपकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पीक एक्टिविटी आफ्टरनून में ही होनी चाहिए, इसलिए नाइट की स्टडीज़ को अवॉइड करो। दैट इज़ माई हम्बल सजेशन फॉर यू। अब हम बात करेंगे आपको मॉर्निंग में क्या पढ़ना है। तो मॉर्निंग में आप बायो की एनसीईआरटी पढ़ें, एंड शॉर्ट नोट्स पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी की जगह। कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं पढ़नी है, कोई भी चीज़ नई नहीं पढ़नी है, इन लास्ट के 2 महीनों में जो पढ़ चुके हो उसी को रिवाइज करो। नाउ आप लिविंग वर्ल्ड से स्टार्ट करोगे एंड इकोलॉजी भी खत्म करोगे, यानी कि लाइन बाय लाइन चैप्टर्स को डील करोगे, और 1 महीने में आप 11th एंड 12th दोनों की एनसीईआरटी खत्म कर सकते हो। यस, दिस इज पॉसिबल, क्योंकि जो छोटे छोटे चैप्टर्स उनको आप एक ही दिन में कर सकते हो। लास्ट में आते आते हमारी स्पीड इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, हमें बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं, हम जल्दी जल्दी रीड कर लेते हैं। That is why 1 महीने में पूरी 11th and 12th की बायो की एनसीईआरटी कवर करना इज पॉसिबल एंड दैट इज ऑल्सो नेसेसरी। कम टाइम में आप पूरा रिवाइज करोगे तो थोड़ा सा आपको सिलेबस दिखाई देगा, ठीक है। दैट इज वाई अनदर थिंग जो आप सुबह कर सकते हो वो है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के शॉर्ट नोट्स पढ़ सकते हो। यस, ऑर्गेनिक के नेम रिएक्शंस रिवाइज कर लो, मतलब कुछ नहीं करना है, आधे घंटे बस नेम रिएक्शन वाला जो शीट है वो भी मैंने अपने टेलीग्राम पे डाल रखा है, आप जाके चेक कर सकते हो। कमिंग टू द आफ्टरनून फेज, आफ्टरनून फेज है आपका टेस्ट फेज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मॉक टेस्ट देना है, फुल सिलेबस देना है, पार्ट सिलेबस। देखो मैं अपने टाइम पे क्या करता था, मैं फुल सिलेबस भी मॉक टेस्ट देता रहता था और पार्ट सिलेबस भी सिस्टमेटिकली देता था। कि आप सपोज है 3 फुल सिलेबस कर लो, 3 पार्ट सिलेबस कर लो, ठीक है, या फिर 2 पार्ट सिलेबस भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। पेन पेपर मोड में देना है। आई नो आप बहुत सारे लोग कोचिंग में होंगे, तो संडे टू संडे आपके ऑनलाइन टेस्ट होते होंगे डेफिनेटली, जो ऑनलाइन वगैरह दे रहे हैं, तो एक ऑनलाइन आप अपने कोचिंग का दे रहे हो, एक पेन पेपर मोड में अपना करो। मैं क्या करता था, पीडीएफ में कहीं से क्वेश्चन पेपर निकाल लिया, उस पीडीएफ को प्रिंट करा लिया, एक ओएमआर शीट खरीद ली, ओएमआर शीट जो एक्चुअल ओएमआर शीट है, एनटीए जो रिलीज़ करता है वो भी बहुत सारे अवेलेबल हैं, हर जगह अवेलेबल है, मैं भी टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा एक ओएमआर जो एक्चुअली नीट की होती है। तो पेन पेपर मोड में देने की कोशिश करो, ओएमआर शीट का यूज़ करो, एग्जैक्ट
शेड्यूल बना लो कि मैं ऐसे ही बबलिंग करूंगा। जो कुछ भी तुम्हें नीट के दिन करना है वो तुम अभी प्रैक्टिस करो कि हाँ इसके बाद ही बबलिंग करूंगा, कि बायो के इस सेक्शन के बाद बबलिंग कर लूंगा या फिर लास्ट में जाके बबलिंग करूंगा। तो जो कुछ भी तुम नीट में करने वाले हो वो एक्चुअली अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। नीट में कुछ भी नया मत नहीं करना है, नीट में कुछ नया नहीं होने वाला है, जो तुम कर चुके हो वही होने वाला है ना। फैन नहीं चलाना है, टॉयलेट नहीं जाना है, पानी भी नहीं पीना है। अपने आप को रेसिस्टेंट बनाओ चीज़ों के लिए, बिकॉज मैंने देखो इतने सारे टॉपर्स का इंटरव्यू लिया है, उसमें से मुझे ध्रुव ने बताया था कि उसका जो था एक एयरपोर्ट के पास था सेंटर, तो बहुत सारे फ्लाइट्स वगैरह की बहुत आवाज़ें आ रही थी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा था। तो अगर तुम फोकस करना अभी नहीं सीखे तो तुम नीट के एग्जाम हॉल, तुम्हें नहीं पता कि नीट के एग्जाम सेंटर तुम्हारा कहाँ पढ़ने वाला है, कैसी कंडीशंस होंगी, यू रियली डोंट नो। सो जस्ट प्रिपेयर yourself फॉर द worst। अपना पेपर कोशिश करो 3 घंटे में, मुझे पता है तुम्हें 3 से ज़्यादा घंटे एक्चुअली नीट पेपर मिलते हैं, बट द थिंग इज दैट 3 घंटे या 2.5 घंटे में क्वेश्चन पेपर खत्म करने की प्रैक्टिस करो, स्पीड बढ़ाने की कोशिश करो। देखो टाइम टेबल एंड शेड्यूल बनाना काफ़ी नहीं है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस चीज़ को फॉलो करना, उस चीज़ को अप्लाई करना अपनी रियल लाइफ में। इसलिए PCB पॉइंट के जो सीनियर्स हैं वो तुम्हारे डेली टाइम टेबल को फॉलो करवाने के लिए लेके आए मेंटरशिप प्रोग्राम जो 1 मार्च से स्टार्ट होगा। तुम्हारे ड्रीम कॉलेजेस के सीनियर्स का एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, इसमें तुम्हारे डेली शेड्यूल के अकॉर्डिंग तुम्हें टारगेट दिए जाएंगे, फिर टारगेट्स चेक होंगे, फिर तुम्हारी गलतियां बताई जाएंगी, टेस्ट होगा, टेस्ट का एनालिसिस होगा, एंड देन आफ्टर उसके अकॉर्डिंग जो तुम्हारा इस 2 मंथ का जो भी प्लान होगा वो बनाया जाएगा एंड तुम्हारे अकॉर्डिंग फॉलोअप किया जाएगा। इस मेंटरशिप प्रोग्राम में तुम्हारे पास भेजा जाएगा ये मेंटरशिप किट बॉक्स जिसमें सारे वो टूल्स अवेलेबल हैं जो तुम्हारी प्रिपरेशन को बूस्ट और ट्रैक करने के लिए चाहिए। लेट्स अनबॉक्स इट। तो जैसा कि ये 60-day प्लानर है, इसमें सारे चैप्टर स्ट्रेटेजिकली डिवाइडेड हैं कि तुम्हें हर चैप्टर में क्या क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग तुम अपने हर चैप्टर को ट्रैक कर सकती कि उस चैप्टर का क्या कंप्लीट हो चुका है, क्या रह गया है। ये आपके प्रायरिटी वाइज सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए और उसको रिवाइज करवाने के लिए है। ऑफलाइन टेस्ट प्रैक्टिस और टेस्ट पे एनालिसिस करने के लिए ये OMR शीट्स हैं जो आपको एक एक्चुअल एग्जाम का एक्सपीरियंस देंगे, जिससे आप अपने OMR बबलिंग की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। एंड रिवीजन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल लाइक ये फिजिक्स की फॉर्मुला शीट है, जिसमें 11th और 12th सारे फिजिक्स के फॉर्मुलाज बहुत अच्छे तरीके से लिखे हुए हैं। इनऑर्गेनिक के सारे इंपॉर्टेंट ट्रेंड का एक चार्ट है, एक पीरियडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस, इसके साथ साथ एक नीट 2024 का काउंटर है एंड एक 13 आवर्स का डेली प्लानर शेड्यूल है। सीट और टाइम दोनों ही लिमिटेड है, दैट इज बाय अभी एनरोल करो मेंटरशिप प्रोग्राम में एट जस्ट ₹5,000, इट्स 2499। एंड जो फर्स्ट 10 पीपल्स डिस्क्रिप्शन की लिंक से ज्वाइन करेंगे उनको ये सिर्फ 1999 में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, गो एंड चेक इट आउट। फॉर फर्दर क्वेरीज व्हाट्सएप पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। नाउ जिस दिन आपका फुल सिलेबस या पार्ट सिलेबस मॉक टेस्ट नहीं होगा उस दिन आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, टाइमर लगा के क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी। कमिंग टू द इवनिंग फेज इज योर एनालिसिस फेज। जैसे ही आपने फुल सिलेबस मॉक टेस्ट खत्म किया, जैसे फॉर एग्जांपल फुल आधे घंटे का ब्रेक लो एंड बैक टू द एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू, जल्दी से चेक करो कि क्या गलत किया क्या सही किया। कोई भी डिले नहीं करनी, ऐसा नहीं करना कि हाँ कल चेक कर लूँगा फिर परसों चेक कर लूँगा अभी रहने देता हूँ अच्छे मार्क्स तो आए हैं, ठीक है, बट फिर भी पूरा पेपर पढ़ना है। यस मेरी एक आदत थी मैं पूरा पेपर दोबारा से पढ़ता था, ऐसा नहीं है जो गलत गलत है उसी को देख लिया, जो गलत क्वेश्चंस किए हैं जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन उन्हीं को देख लिया, नहीं जो सही किया उसको भी देख लेता था। सही करने से एक्चुअली वो चीज़ रिवाइज ही हो रही है, जो तुमने सही कर दिया वो चीज़ तुम दोबारा से पढ़ लोगे वो चीज़ और रिवाइज होती चली जाएगी। तो इट्स लाइक तुम पेपर पढ़ रहे हो तो इट्स लाइक अ रिवीजन, ठीक है। सो पूरा पेपर दोबारा से पढ़ना है अपना एंड आपको अपनी गलतियों को अपनी मिस्टेक डायरी में लिखना है एंड बाकी की जो चीज़ें हैं जैसे अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन था, अनअटेम्प्टेड क्यों था क्योंकि वो टेक्स्ट याद ही नहीं था, वो एग्जांपल याद नहीं था, तो जाके जल्दी से चेक कर लो, जाके जल्दी से याद कर लो, ठीक है, अपने नोट्स में देख लो, NCERT में देख लो। तो इस तरीके से आपको एनालिसिस करना है, एनालिसिस में आपको मिस्टेक करना है और जो नई चीज़ें आप सीख रहे हो वो भी करना है, नई चीज़ें यानी कि जो NCERT से रिलेटेड हो। ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिल रही हो उसको भूल जाओ, उसको छोड़ो, अभी उसको लेके परेशान मत हो, दैट्स माय पॉइंट। नाउ कमिंग टू द नाइट फेज एक्चुअली क्या होता है, उसमें मैं पेंडिंग टास्क किया करता था। फॉर एग्जांपल लास्ट वीक का कोई पेंडिंग टास्क है या फिर मेरा कोई वीक टॉपिक्स है, फॉर एग्जांपल मुझे याद है कि मेरा जो SHM वेव्स वाला टॉपिक्स था वो मेरा लास्ट तक थोड़ा थोड़ा वीक रह गया था, फिर ऑप्टिक्स के मैंने थोड़े कम क्वेश्चन लगाए थे, तो जहाँ पे भी आपको लगता है कि वो थोड़ा सा वीक पोर्शन है या फिर ये थोड़ा कम पड़ा हुआ है वो रात को कर लो, है ना। और अगर आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है फिजिक्स और केमिस्ट्री, क्योंकि बायो में ऐसा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होती, बायो में जो आप पार्ट सिलेबस फुल सिलेबस में जितने क्वेश्चन लगा रहे हो वही काफी है, बाकी सब क्या करो रिवीजन करो। केमिस्ट्री फिजिक्स में जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है वो आप नाइट स्टडीज में कर सकते हो। दिस इज माय ओवरऑल पॉइंट। कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, दैट इज प्रॉपर सीक्रेट। यस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे तुम्हें कन्वे करना है। देखो हमें से किसी को नहीं पता हमारी क्या रैंक आने वाली है। जब मैं नीट का पेपर देने जा रहा था दैट एग्जाम ड्यूरिंग दैट वे, तो मुझे नहीं पता था कि आज मेरी ऑल इंडिया रैंक 1 आएगी या फिर 5 आएगी या फिर आएगी भी कि नहीं आएगी या फिर
सिलेक्शन भी होगा कि नहीं होगा, दैट वी रियली डोंट नो, हमें नहीं पता हमारे कितना मार्क्स आने वाले हैं, नहीं, ये हमारे हाथ में कभी नहीं होता। बिलीव मी गाइस, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, हमारे हाथ में कभी भी हमारी रैंक और मार्क्स नहीं होती, हमारे हाथ में सिर्फ हमारा काम होता है, यानी कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो, तुम अभी मूवमेंट पे क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, बस यही तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे हाथ में नहीं है कि फ्यूचर में जो तुम्हारे नीट का एग्जाम होने वाला है उसमें तुम कैसा परफॉर्म करोगे, नहीं, तुम्हारे हाथ में सिर्फ अभी ये है कि अभी जो तुम्हारा टास्क जो तुमने अभी डिसाइड किया है, जो तुमने सुबह सोचा था कि आज मैं ये करूँगा, क्या तुम वो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, बस वही है तुम्हारे हाथ में। इसका मतलब अननेसेसरी चीज़ों को लेके, फ्यूचर इवेंट्स को लेके कभी भी परेशान नहीं होना है। सो जस्ट कंट्रोल योर सेल्फ, बी एट द मोमेंट, जिस मोमेंट पे तुम हो, जिस मोमेंट पे तुम सांस ले रहे हो, वही मैटर करता है, एंड जस्ट प्लान बनाओ एंड आज पे फोकस करो, कल क्या होगा किसी को नहीं पता। सो या दैट इज इट फॉर टुडेज गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे, थैंक यू सो मच एंड मीट यू सून, वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो।